हाँ तो दोस्तों, यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी के टोटल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे 37% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 700 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। ये कि जो कोविड का सेकंड वेव है उसकी वजह से 2 महीने हमने लॉकडाउन देखे हैं, तो उसकी वजह से सीधी सी बात थी कि रेवेन्यू गिरने वाला ही था। और अगर हम क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की बात करें तो ये नंबर यहाँ पे 57% से गिरकर 75 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। देखिए, क्वार्टरली बेसिस के नंबर मेरे ख्याल से तो अच्छे हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर्स अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 73% से बढ़ा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ पे रेवेन्यू बहुत ही अच्छे तरीके से हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, पिछले साल कंपनी को इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 20 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और अभी कंपनी को 75 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी का प्रॉफिट है ऑलमोस्ट हमें 4 times ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से ये जो नंबर्स है काफी अच्छे हैं। और अगर हम पाइप सेक्टर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एस्ट्रल हमेशा मार्केट लीडर रहा है। ऑल्दो जो प्रिंस पाइप है वो थोड़ा उसका मार्केट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि हमेशा एक डोमिनेंट यानी कि जो जिसका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा रहेगा वो मेरे ख्याल से एस्ट्रल बना रहेगा, खास करके आने वाले 5 साल के लिए, 5 साल तक के लिए तो बना रहेगा। उसके बाद क्या होता है वो चीज़ें हमें बाद में एनालाइज करनी पड़ेगी। अब ये देखिए, 44,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर पाइप सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप इस कंपनी का है। और ये देखिए, इंडस्ट्री के कंपैरिजन में जो प्रीमियम वैल्यूएशन मार्केट इस कंपनी को दे रहा है, क्योंकि ये एक प्रीमियम सेक्टर है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करेंगे पाइप सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे बढ़िया कंपनी अभी ये, अगर हम इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर हम बात करें सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका है, उसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इस सेक्टर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली ये कंपनी है, इसीलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अब यहां पर अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार कंसिस्टेंटली इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पिछले 4 साल से लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी कि इंडिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वहाँ पे पाइप सेक्टर की भी डिमांड बढ़ेगी। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में जिस तरीके की आने वाले की, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे हाउसिंग फाइनेंस की कंपनीज हो गए, रियल स्टेट हो गया, इनमें 15-20% की ग्रोथ आ सकती है। और वहाँ पर अगर न्यू कंस्ट्रक्शन होंगे होम के और अगर रिनोवेशन होंगे तो वहाँ पे ये इंडस्ट्री भी आराम से 15-20% की ग्रोथ दिखा सकती है। अब ये देखिए, 2245 पे यहाँ पे एस्ट्रल लिमिटेड का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक अभी आपको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा रिसेंटली ये स्टॉक भाग चुका है, तो ये रिजल्ट के बाद एक और अच्छा यहाँ पे अपवर्ड रैली देखने को मिलेगा ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि अभी ऑलरेडी स्टॉक बहुत भाग चुका है। 1500 से लगभग ये स्टॉक 2200 के लगभग आ चुका है, तो यहाँ पे 50% की रैली हमने स्टॉक में ऑलरेडी देख ली है। अगर हम पिछले 5-6 महीने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कुछ, हाँ थोड़ा 3-4 या फिर 4-5% का यहाँ पे रैली हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं बोलूंगा कि यहाँ से सीधा स्टॉक 3000 रुपये का हो जाएगा। हाँ, अगर आपने एस्ट्रल लिमिटेड के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है, बने रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। इस सेक्टर के अंदर मैं एकदम पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ पे 15-20% की ग्रोथ ये सेक्टर दिखा सकता है। और जो मार्केट लीडर्स हैं वो यहाँ पे आराम से 25-30% की ग्रोथ भी दिखा सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ये सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट अभी हुए हैं वो अभी फिलहाल कम है, इतने इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुए हैं। भले आपको लगेगा कि जो रैली यहाँ पे देखने को मिली है तो यहाँ पे और रैली देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे लगता है कि ये रैली यहाँ पर अभी तक रुकी नहीं है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि एस्ट्रल लिमिटेड के क्वार्टरली नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।